पौष्टिक खाना तो होना चाहिए, पर साथ ही साथ अच्छे जो आपके मिलेट्स होते हैं, जैसे कि हमारा बाजरा, ज्वार, रागी, ये सारी चीजों का भी होना जरूरी है। आपकी सब्जियां सिर्फ एक ही सब्जी नहीं, आलू मेथी, आलू गाजर ऐसे नहीं होना चाहिए, अलग अलग टाइप की सब्जियां होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये सारी जब चीजें रहती है तो आगे काफी ज्यादा मजा देता है। नेक्स्ट, अगर किसी चीज की बात की जाए तो अगर प्लेट में आप देखा जाए तो बहुत मुश्किल होता है ये सब चीजों को रखना, डिसाइड करना कि कहाँ से आ जाए, है ना। पूरा एक पूरे दिन भर का अगर आप एक वर्किंग लेडी हो तो वहां पर आपको खाना बनाना भी है, बाद में ऑफिस भाग के जाना भी है, बॉडी की जो पूरी नीड्स है वो नहीं पाती कंप्लीट, है ना। हम देखते हैं ये चीज की पूरी तरह जो बॉडी को चाहिए वो मिल नहीं पाता है। तो वहां पर आरजीजीएल जो है कैपिटल में, लोग नए हैं यहाँ पर, ओके काफी लोग, मैंने घर में एंटर किया हो और मेरे मुंह से वो वर्ड नहीं निकला मम्मा,
घर की जरूरत होती है डेली, आप घर की जरूरत हो, है ना। तो वहां पर वैसे ही हमारा गैनोडर्मा जो है, ये जो चीज है जो मैंने हाथ में पकड़ी हुई जो मशरूम है, ये आपकी बॉडी को सबसे पहले बैलेंस करके रखता है। बॉडी में कोई भी इम्बैलेंस हो कहीं पर भी हो, उस चीज को समझता है, उस चीज को सीखता है और उसको बैलेंस करने में मदद करता है। दूसरा, ये बॉडी में अगर कहीं पर भी कोई भी कचरा हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। और साथ में ये एक बहुत अच्छा एडाप्टोजन हो, आप जहां पर भी हो, जो कंडीशन में भी हो, दो वक्त की रोटी खा रहे हो या एक वक्त की खा रहे हो, वहां पर वो आपकी बॉडी में उस चीज को अच्छा पोषण बॉडी में वो एब्जॉर्ब करने में मदद करता है। सो गैनोडर्मा जो है ये बिल्कुल एक लेडी की तरह है, और मेरे हिसाब से क्योंकि ये लेडी की तरह है तो हम लेडीज को गैनोडर्मा जरूर खाना चाहिए। कितना खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये अलग अलग फॉर्म में हमें डॉक्टर लिम ने दिया है, प्लीज उनके लिए एक जोरदार तालियां। बॉडी कैसे रिएक्ट करती है। दूसरा
मेरा फेवरेट स्पिरुलिना। मैं इतनी बार बात कर चुकी ना, तो अब मैं चाहती हूँ कि आंसर्स यहाँ से आए, क्योंकि मैं बोलते तो जाती हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि लोगों को ये समझ आता भी है या नहीं आता है। तो क्या है स्पिरुलिना, हम इसे क्या कहते हैं, आज कोई बताएगा? फूड सप्लीमेंट है, क्वीन ऑफ न्यूट्रिशन। बिल्कुल, प्लीज तालियां होनी चाहिए। टाइम लेता है, तो वहां पर अगर आप क्या
कैल्शियम कर लो, कैल्शियम का सेवन अच्छा कर लो, उसके लिए आप मोरिंगा अच्छा कंज्यूम करोगे तो वहां पर भी आपको हेल्प हो जाएगी। दूसरा हमारा रोजेल, लास्ट में रोजेल अगेन एक जूस है जो आपके मूड स्विंग्स को ठीक करने काफी ज्यादा मदद करेगा, एनर्जी बॉडी में रखने में बहुत मदद करेगा, और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा आपको जो मूड का जो प्रॉब्लम होता है या वाइटामिन ई की जरूरत होती है जो आपकी स्किन को अच्छा करती है, ब्राइट करने में मदद करती है, वहां पर रोजेल जूस। हिबिस्किस का फ्लावर देखा है, हिबिस्किस बहुत ज्यादा उसी का एक कजन कह सकते हैं हम जो रोजेल होता है, और उसकी बड़ से उसकी कली से इसका जूस निकाला जाता है, तो ये वाइटामिन सी और वाइटामिन ई दोनों चीज में काफी ज्यादा रिच है। नेक्स्ट ब्लैक कॉफी, कॉफी और गैनोडर्मा का एक ऐसा पावरफुल कॉम्बिनेशन है जो बेसिकली आपको जब भी आप नॉर्मल कॉफी पीते हो ना तो वो बॉडी में सिर्फ वो एक टाइम के लिए आपको डोपामाइन स्पाइक देगा, जब आपको लगता है पूरी दुनिया भी मुट्ठी हो जाएगी पांच मिनट में चाय पीने के बाद, कॉफी पीने के बाद, है ना, पर वो ज्यादा देर तक कंटिन्यू नहीं रह पाता, फट से ड्रॉप हो जाता है। उस चीज को कंटिन्यू रखने के लिए कॉफी और गैनोडर्मा का जो कॉम्बिनेशन है, जो हमारी 2-in-1 कॉफी है, ये काफी ज्यादा मदद करती है। और पीसीओएस पेशेंट हो या जो भी हो जिनको वेट गेन का प्रॉब्लम है, वजन जिसको कम करना है, तो वहां पर भी ये बहुत ज्यादा हेल्प कर सकता है। ऋषि कैनो टी, अभी कैनोडर्मा अगर आप कैप्सूल फॉर्मेट में नहीं ले सकते तो आपकी जो घर की चाय है उसमें कैनोडर्मा जिस तरह डाल के लिया हुआ है वो आप दोनों फॉर्म में ले सकते हो, या तो पानी वाली चाय या तो दूध वाली चाय, जैसे आपको सूटेबल हो, पर एक तरीके से कैनोडर्मा बॉडी में आपके एंटर होगा और वो आपकी बॉडी में बैलेंस बनाने में मदद करेगा। नेक्स्ट ब्रेकफास्ट ऑप्शन, ब्रेकफास्ट ऑप्शन बहुत लोगों का ऐसे होता ना, बाहर जो मिल गया वो खा लिया या नहीं किया ब्रेकफास्ट, हमने नाश्ता ही नहीं किया, तो वहां पर जो सीरियल है स्पिरुलिना सीरियल है या मेन के लिए कॉर्डिसेप्स सीरियल है, तो ये दोनों चीजें एक ऑप्शन आ जाती है जो आगे जाके आपको ज्यादा जल्दी भूख भी नहीं लगेगी और पेट में जो अच्छा पोषण है मॉर्निंग में वो मिलना भी जरूर हो जाएगा, तो वहां पर कैसे कॉन्स्टिपेशन एसिडिटी की प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाती है। ये स्मूदीज है जो आप रोजेल जूस मोरिंगा जूस से ट्राई कर सकते हैं, मैंने बहुत लोगों से सुना है कि वो चाय में कॉफी डालते हैं, अलग 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 कॉम्बिनेशन ट्राई करते हैं, उसे नहीं करना चाहिए ज्यादा एक लिमिट तक, पर आप ये चीज कर सकते हैं कि कोई फ्रूट जूस अगर बना रहे हो तो उसके अंदर आप रोजेल थोड़ा सा डाल के उसको और टेस्टी करके फॉर्मेट में घर पे बच्चे हैं तो उनको आप वैसे दे सकते हो। ये भी स्पिरुलिना का स्मूदी है, फ्रूट्स वगैरह डाल के मिल्क डाल के आप उसको आराम से बना सकते हो। अब यकीन नहीं करोगे, मैंने देखा है लोग और ये बहुत अच्छा भी लगता है, आप शायद ट्राई कर सकते हैं, जब भी आप पराठे बनाते हो रोटी बनाते हो तो उसमें भी आप स्पिरुलिना का पाउडर खोल के डाल सकते हो, क्यों, क्योंकि वो दवाई नहीं है वो खाना है, तो आप जैसा नॉर्मल खाना खा रहे हो उसमें भी आप उसको इंक्लूड कर सकते हो। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये सारी चीजों में अगर कोई चीज रह जाती है तो वो होता है हमारा तेल, तेल कैसा कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए आपके घर में, आप जो तेल यूज कर रहे हो ना फिर वो कच्ची गली का हो या रिफाइंड भी हो अभी इट्स फाइन ओके, कोई बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि गली कल यू नो घर में सबको हाथ पकड़ना होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है, पर आप अगर थोड़ा सा अच्छा चीज में आपकी बॉडी को हेल्दी करने के लिए कोई तेल ट्राई करना चाहते हो तो वर्जिन कोकोनट ऑयल जो है वो एक प्रॉपर फिल्टर प्रोसेस है, उसके साथ कैनोडर्मा एडेड है, तो ये सारी चीजों की वजह से आपको बॉडी में एक अच्छा जो जब आपकी इंजन अच्छी कब चलती है जब उसके अंदर तेल अच्छा होता है ना, इंजन को अच्छे से चलाना है तो उसके लिए वर्जिन कोकोनट ऑयल जो तेल है वो काफी अच्छा काम कर देता है, तो वहां पर आप इस चीज को एक क्वालिटी फैट भी है और उसकी क्वांटिटी भी आप मेजर करके ले सकते हो। अंबुजा, हाँ, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वेज है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज है, मैंने पहले बताया था कि हमको पानी पीना इतना ज्यादा पसंद नहीं, पर हमें अगर कोई चीज पीना पसंद है तो बाहर का सोडा है ये है वो है ना, अच्छा लगता है, मजा आता है उसको, जबान पे भी अच्छा लगता है, थोड़ी एनर्जी भी मिलती है, तो वहां पर जो ऑप्शंस है मार्केट में वो फिलहाल ज्यादा हेल्दी नहीं है। सो कंबुचा जो ड्रिंक है, मैंने अभी अभी जस्ट पिया सेशन लेने से पहले, तो कंबुचा जो ड्रिंक है ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो, एक बैलेंस मेंटेन करने में आपका गट यानी पाचन का जो पूरा सिस्टम है जहां पर बहुत प्रॉब्लम होता है क्योंकि हम अच्छी चीजें ज्यादा नहीं खा पाते, तो वो चीज को मेंटेन करने में आपकी बॉडी को अच्छा मैसेज देने में कंबुचा काफी मदद करेगा। तो जिन लेडीज को भी प्रॉब्लम होता है वजाइनल इन्फेक्शन होता है या यूरिन इन्फेक्शन होता है बार बार, तो वहां पर आप कंबुचा ले सकते हैं।
करते हो तो उससे वो चीजें सॉल्व हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसके अंदर अच्छे बैक्टीरिया है जो बॉडी को हेल्दी बैक्टीरिया प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं. और प्लस वो एक बॉडी में एक जो आपको जो बैक्टीरिया जो पूरा ग्रोथ होता है माइक्रोफ्लोरा जो होता है उसको भी अच्छा करता है. तो जिस तरह आप सोचते हो वो भी ऐसी चीज पे डिपेंड करता है जो आपके गट के अंदर है, जिसको आप देख भी नहीं सकते, जिसको आपने कभी देखा भी नहीं है, इसके बारे में सोचा भी नहीं है, पर वो आपके थॉट्स कंट्रोल करता है. तो अच्छे बैक्टीरिया बॉडी में डालने के लिए बहुत जरूरी है एंड ये काफी ज्यादा मदद करेगा. दूसरा, अगर कोई क्वेश्चंस होते हैं या कुछ होता है, अगर आपको डाउट है कि ये चीज को हम अच्छे कैसे चीज में और लेके जा सकते हैं या डाइट प्रॉपरली कैसे करना चाहिए, तो ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है. मैं एक और चीज के बारे में मैंने आज ही सोचा कि क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं जो रोज स्पिरुलिना आरजीजीएल खाते हैं, या इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट आएगा तो मैं एक छोटा सा हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना दूंगी एंड वहां पर आप आपके क्वेश्चन या क्वेरीज जैसे पोस्ट कर सकते कि ये चीज हो डेली और ये ऐसा मुझे इफेक्ट हो रहा है. तो वहां पर आप आपके एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो और आप आपके जो अगर कोई क्वेरीज है या डाउट्स है तो वो भी ये मैसेज में ये नंबर पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं. मैं एक पूरा व्हाट्सएप ग्रुप उस हिसाब से क्रिएट कर सकती हूँ. तो हम ऐसे और सेशन में मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे, तभी आपको पता चलेगा कि आगे कैसे हम चीजें ले जा सकते हैं. तो आप एक फोटो ले सकते हैं, ये QR कोड को अगर स्कैन कर लोगे तो वो सीधा मेरे पर्सनल व्हाट्सएप का लिंक हो जाएगा. वहां पर अगर कोई डाउट है, कोई क्वेरीज है, तो आप वहां पर मैसेज करके पूछ सकते हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जहाँ पर मूड का प्रॉब्लम आता है या जहाँ पर रात में नींद अच्छी नहीं आती इस चीज का प्रॉब्लम आता है, या गर्ल्स के लिए ग्रोथ का इशू जो रहता है उस चीज का रहता है, तो वहां पर कोकोजी काफी ज्यादा मदद कर सकता है अच्छी ग्रोथ के लिए. उनको एक प्रॉपर जो पूरे दिन भर के लिए काम करने के लिए या पढ़ाई करने के लिए जो एनर्जी चाहिए, वहां पर कोकोजी बहुत एक अच्छा उनका फ्रेंड बन जाता है उस चीज में. एक तो टेस्ट भी अच्छा है, कोको का गुडनेस होता है. कोको जो चॉकलेट है वो पहले जमाने में एक दवाई की तरह यूज हुआ जाता था. जब भी अगर पेट दर्द हो या कोई चीज का होता था तो पुराने जमाने में कोको चॉकलेट को यूज करते थे एज ए मेडिसिन. तो वही चीज है इन कॉम्बिनेशन विद ग्रैनोलोमा अगेन. तो वहां पर वो गर्ल्स के लिए बहुत अच्छा एक सेवन प्रॉपर, आप उसको बेड बटर जैम में दे सकते हो, पानी के अंदर कोको से मिक्स करके दे दिया, चॉकलेट शेक बना के दे दिया. तो बच्चों की अच्छी ग्रोथ के लिए बिफोर इवन द रीच मेनार्क, यानी पीरियड स्टार्ट होने से पहले भी आप ये गर्ल्स को दे सकते हो. एंड देन फिर एक ऐसा एज आता है जहां पर बच्चों को और साथ में कॉफी मना भी होती है, चाय भी मना होती है, पर बच्चे को पीना है क्योंकि पापा मम्मी पी रहे हैं, ऐसा भी स्टेज आता है. तो वहां पर ज़ीमो का एक दोनों चीज का कॉम्बिनेशन है. और ये सिर्फ गर्ल्स के लिए नहीं, बट जो लेडीज है लेटर ऑन 45-55 ईयर ओल्ड, जिनको बहुत प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, मेनोपॉज के थ्रू जा रहे हैं, तो वहां पर ये ज़ीमो का भी काफी ज्यादा हेल्प करता है उनको थोड़ी स्टेबिलिटी देने में. तो एक पाउच जो है अगर आप ये पूरे दिन में कंज्यूम करते हैं तो वहां पर वो लेडी को एक अच्छी स्टेबिलिटी मिलने में मदद होती है, अच्छा क्लैरिटी देने में मदद होता है कि बॉडी में हो क्या रहा है और आगे हम कैसे उस चीज को बढ़ सकते हैं. और साथ में जिनको नींद का प्रॉब्लम आता है तो कोकोजी और ज़ीमो का ये दोनों चीजें बहुत अच्छा रोल प्ले करती है. बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है जिन्होंने लोगों ने इसको कंज्यूम किया उसके बाद इसका रिजल्ट दिखाया. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जैसे मैंने कहा कि बॉडी को समझना बहुत जरूरी है, थोड़ा खुद के ऊपर ध्यान देना जरूरी है, तो ही ये चीजें आपके ऊपर एक्ट करेगी. तो वहां पर थोड़ा सा पेशेंस रखना, समझना, बॉडी को टाइम देना खुद के लिए, थोड़ा सा जो ध्यान करते हैं हम, जो हमारे सांसों को गिनते हैं, ये प्रोसेस भी काफी अच्छा होता है. थोड़ा सा खुद को काम डाउन करने में अच्छी एनर्जी उसमें बाद में रिलीज होती है. एंड साथ ही साथ आपको थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड फील होता है, वरना हम हमेशा क्या करते हैं, कंप्लेन करते रहते हैं, ये नहीं मिला, वो नहीं हुआ, इसका इतना हो गया, उसका उतना हो, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ये अगर क्वेश्चंस बार बार दिमाग में आते हैं तो खुद को थोड़ा सा आपको रीस्टार्ट करना जरूरी है. और उसके लिए आप शून्य प्रैक्टिस, शून्य ध्यान कर सकते हैं. थोड़ा सा खुद को स्टेबल करना जरूरी है और फिर बाद में आप पूरे दिन भर के लिए उसके वजह से चार्ज हो सकते हैं. और कभी भी बॉडी को थैंक्स बोलना जरूरी है. आज आप जो भी हो, यहाँ पर चल के आए हो, जैसे भी हालत में आए हो, आपकी बॉडी आपको लेके आई है.
तो उसको थैंक यू बोलना जरूरी है और फिर बाद में जिस तरह वो आपसे डिमांड करके उस चीज को आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, मेरा टाइम है।